राधे राधे। आज हम बात करेंगे सांपों की, सर्पों की। कहां से आए ये सांप सर्प पहली बार इस धरती पर? पुराणों में इसकी भी कथा है। कहते हैं कि जब ऋषि कश्यप थे और वो यज्ञ तप बहुत किया करते थे, उनकी दो पत्नियां थी, एक विंता और कद्रु। वो उनके साथ उनके यज्ञ में बहुत मदद कराती थी, बहुत हेल्प करती थी जो भी यज्ञ और पूजा पाठ होती थी। ऋषि कश्यप इस बात से बहुत प्रसन्न होते हुए और उन्होंने कहा कि आप दोनों जो मांगेंगी आप हमें आपको दूंगा। तो कद्रु उससे कहती है कि ठीक है, अगर आप हमें देना ही चाहते हैं तो आप मुझे 100 बच्चे दीजिए। 100 बच्चे इतने शक्तिशाली हों कि वो उसमें विष भी होना चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है, हो जाएगा। और विंता कहती है कि मुझे इतने बच्चे नहीं चाहिए, मुझे कम चाहिए, लेकिन वो कद्रु के बच्चे से ज़्यादा होशियार हों और वो ज़्यादा तेज़ हों और उसमें भी विष हो। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वो कद्रु को देते हैं 100 अंडे और विंता को देते हैं 2 अंडे। वो 100 अंडे हैच करने के लिए रख दिए जाते हैं ताकि उसमें से कुछ टाइम बाद बच्चे निकलें। और विंता को दिए जाते हैं 2 अंडे, उसके साथ भी यही प्रोसेस होती है और वो भी रख दिए जाते हैं हैच करने के लिए। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि उसमें से बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। जो कद्रु के पास जो अंडे होते हैं उसमें से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसमें से पहला बच्चा जो होता है वो है वासुकी, जो कि भोलेनाथ का नाग है। और फिर निकलते हैं उसमें से शेष नाग और बाकी सारे नाग, वो कद्रु के ही बच्चे हैं। उसके बाद जब वो ये सब होता है, जब बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं, तो जो विंता होती है वो बड़ी परेशान होती है कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है ये, मतलब कद्रु के बच्चे निकल रहे हैं और मेरे दोनों अंडे ऐसे रखे हुए हैं। तो वो ना बहुत एक्साइटमेंट में और बहुत इनपेशेंट हो जाती हैं और वो उसमें से एक अंडा फोड़ देती हैं। अब क्या होता है कि जब अंडा फूट जाता है समय से पहले, तो उसमें से आधा बच्चा बन पाता है, फिर ऊपर का धड़ बन पाता है, नीचे का धड़ बन ही नहीं पाता है। तो फिर वो बच्चा बड़ा नाराज़ होता है कि ये क्या कर दिया माँ, मुझे पूरा बनने ही नहीं दिया आपने। और वो इस नाराज़गी में ऊपर चला जाता है, वो कहता है मैं नहीं रहूँगा आपके पास, आपने मुझे मार दिया, आपने मुझे आधा ही रहने दिया और मैं आधा रह के क्या करूँगा। तो वो ऊपर चला जाता है और वो उसका नाम होता है अरुण। और फिर वो पेशेंटली दूसरे अंडे का फूटने का वेट करती रहती हैं। वो कहती हैं कि चलो ठीक है, पेशेंटली वेट करते हैं। कुछ टाइम बाद उसमें से भी बच्चा निकलता है और वो बच्चा बनता है गरुण, जो कि विष्णु भगवान का वाहन है। और जो पहला बच्चा होता है वो बनता है अरुण, जो कि सूर्य भगवान का जो रथ है उसके सारथी है। तो ये थी सांपों की कहानी कि जो सांप के वंशज हैं वो कद्रु के हैं। लेकिन इनमें एक खास बात है, इन दोनों बच्चों में आपस में नहीं बनती, क्योंकि ये दोनों बहनें थीं और दूसरी बहन एक दूसरे के बच्चों से बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। जैसे आप जानते हैं कि गरुण जो होते हैं वो सांप को खा जाते हैं, तो इन दोनों में आपस में नहीं पड़ती। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, आपने देखा, आपको जानने का मौका मिला। वैसे आपको पता ही होगा कि, लेकिन अगर आपको नहीं पता था तो अच्छा हुआ कि मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये कहानी। प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो में जो कि आपको पसंद हो। या आप कोई कहानी अगर सुनना चाहते हैं मेरे से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।